हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा अम्बे स्टडी अब से। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज 26 जनवरी 2020 है। हर एक 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार हमने 71 यानी 71वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। गणतंत्र दिवस बनाने का तात्पर्य क्या है? तो गाइस, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था, यानी कि जो हमने संविधान बनाया, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 महीने का दिन लगा, इसको कब फाइनल कर दिया गया था? इसको फाइनल करा गया इसका 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो उसी से हर एक वर्ष हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं और इस बार हमने 71वां गणतंत्र दिवस मनाया है। तो इसी वर्ष इसी के तहत जो भी कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन हैं उन पर खास नज़र के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उन व्यूअर से कहना चाहूँगा जो कि मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर देख चुके हैं, तो गाइस मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। मैं जब मुझे टाइम मिलता है या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन है कि इसमें 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, इसलिए लाइव आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज के दिन सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है पूरी साल भर, वो आता है पद्म अवार्ड। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, भारत में सबसे बड़ा जो अवार्ड है वह है भारत रत्न। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है वह है पद्म अवार्ड। तो भारत रत्न और पद्म अवार्ड दोनों के दोनों सन 1954 में स्टार्ट किए गए थे, बट कंडीशन ये रहती है जो भारत रत्न वो लिमिटेड फील्ड में दिया जाता है और पद्म अवार्ड इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो अभी तक 2981 पद्म अवार्ड बांटे जा चुके हैं और जैसे कि आपको पता होगा, भारत रत्न अभी सिर्फ 48 ही लोगों को दिया गया है। 48 नंबर पर कौन थे? हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। और सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था? सबसे पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो अभी तक 2981 बंदों को भारत ये पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। पद्म अवार्ड, जैसे कि आपको पता होगा, पद्म अवार्ड 3 भागों में बटे होते हैं। पहले नंबर पर आता है पद्म विभूषण, दूसरे नंबर आता है पद्म भूषण, तीसरे नंबर आता है पद्मश्री। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि इस बार जो हमारा रिपब्लिक डे बनाया गया उसमें अतिथि चीफ कौन थे? तो गाइस, इस बार जो अतिथि चीफ थे वो थे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो। जैर बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, जिनको इस बार अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और ब्राज़ील जो है, जिसकी कैपिटल ब्राज़ीलियन है, तो यहाँ से हमारा बहुत इनसे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, चाहे कूटनीतिक हों चाहे कैसे भी हों, इस देश से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, जो कि 1948 से इनके साथ संबंध चलते आ रहे हैं। और ये ब्राज़ील के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें अतिथि के रूप में बुलाया गया था। इससे पहले 2 और अतिथि के रूप में ब्राज़ील के प्रेसिडेंट आ चुके हैं। सन 2004 में डी सिल्वा के रूप में आए थे और उससे पहले भी आ चुके हैं, मुझे नाम याद नहीं है उनका। तो गाइस, 3 भागों में पद्मश्री अवार्ड बटा हुआ है। जैसे कि वर्ल्ड, अगर भारत का सबसे बड़ा अवार्ड आता है तो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है कौन सा? भारत रत्न। अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड आता है तो वो है नोबेल प्राइज़। अगर तुम्हारा एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड आता है तो एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है रमन मैंगसेसे अवार्ड, जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जिनके नाम पर यह अवार्ड दिया जा चुका है। ये अवार्ड भारत के केजरीवाल और किरण बेदी जैसे कि सबको मिल चुका है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह बनेगा सबसे पहले कि जो पद्म अवार्ड मिलना शुरू हुआ, तो गाइस कब से मिलना शुरू हुआ? तो सबसे पहले पद्म अवार्ड 1954 में दिया गया था। और जैसे कि आपको पता होगा, हर बार राजपथ पर इसकी परेड निकाली जाती है रिपब्लिक डे पर, और ये अवार्ड भी रिपब्लिक डे वाले दिन ही दिए जाते हैं। नॉमिनेट इससे पहले हो जाते हैं बट दिए कब जाते हैं अवार्ड? रिपब्लिक डे पर। तो राजपथ सन 1955 से हम लगातार राजपथ पर रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं। आज का दिन भी कहाँ पर परेड बनाएगी? राजपथ पर, राजपथ मार्ग पर परेड बनाएगी। तो
इसकी कैटेगरी कौन सी होती है गाइस? इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में दिया जाता है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, जैसे कि आर्ट हुआ, सोशल वर्क हुआ, पब्लिक अफेयर हुआ, साइंस हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, ट्रेड हुआ, इंडस्ट्री हुआ, लिटरेचर हुआ, एजुकेशन हुआ, बहुत सारे फील्ड हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है इसके लिए। लेकिन इसके लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन भी किया जाता है, और इसकी मैं जो प्राइज़ मनी देख रहा था तो इसकी 7.5 लाख प्राइज़ मनी दिखाई जा रही है, लेकिन फाइनल नहीं है। लेकिन आप फाइनल, मेरे हिसाब से तो फाइनल लग रही है कि 7.5, जैसे कि आपको पता होगा खेल का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो भी राजीव गांधी खेल रत्न होता है, उसकी भी जो प्राइज़ मनी है वो भी 7.5 लाख रुपए के रूप में दी जाती है। तो इसकी भी सबसे बड़ी जो अवार्ड मनी है वो भी 7.5 लाख रुपए रूप में दी जाती है, और उसका जो अवार्ड होता है, जो इसका मेडल मिलता है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन नीचे ब्रॉन्ज होती है उसकी। और जो तुम्हारा भारत रत्न मिलता है वो पीपल की पत्ती जैसी होती है, उसकी कांस्य की पदक होता है, और उसमें कोई प्राइज़ मनी नहीं होती है। उसमें ये कि आपको सारी सुविधाएं दी जाती हैं और उसमें कोई प्राइज मनी नहीं होती है। तो आज जान लेते हैं इस राष्ट्र, इस रिपब्लिक डे पर टोटल पद्म अवार्ड कितने दिए गए। तो गाइस इस बार जो टोटल पद्म अवार्ड दिए गए हैं 141 दिए गए हैं, यानी 141 लोगों को पद्म अवार्ड बांटे गए हैं। लेकिन तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कैटेगरी में। सबसे कम जो दिए जाते हैं, सबसे बड़ा जो होता है वो पद्म विभूषण होता है, जो कि सिर्फ इस बार कितने लोगों को मिला, 7 लोगों को मिला। 7 में से 4 लोग ऐसे थे जिनको मरणोपरांत मिला, यानी कि मर चुके हैं उसके बाद इन्हें अवार्ड दिया गया है, जिसमें से हमारे दो अभिनेता भी, दो दो तुम्हारे ये नेता भी रह चुके हैं बहुत नामी जामी, जिसमें से एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी और एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी को पब्लिक अफेयर के लिए ये अवार्ड मिला है, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। सुषमा स्वराज को ये अवार्ड पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं। और जॉर्ज फर्नांडिस, जिनको भी पब्लिक अफेयर के लिए दिया जाता गया है, बिहार से बिलोंग करते हैं। और श्री विश्व तीर्थ स्वामी जी को मिला है, जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, इनको भी पब्लिक अफेयर के लिए दिया गया है। ये चारों के चारों ऐसे थे जिनको मरणोपरांत मिले, यानी कि मरने के बाद मिले हैं। इनके बाद 3 ऐसे बंदे हैं जिनको, जो अभी जीवित हैं उनको दिया गया है, जिनका नाम है सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस से बिलोंग करते हैं, भारत का नहीं है, मॉरिशियस आपको पता होगा, जहाँ पर भारत क्या करता है, सबसे ज़्यादा अपना व्यापार करता है, सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है मॉरिशियस पे, और इनको भी पब्लिक अफेयर के लिए मिला है। इसके बाद एमसी मैरीकॉम, मैरीकॉम को आप जानते होंगे, अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा जी ने मैरीकॉम पर पिक्चर ही बनाई थी, इनको मिला है अवार्ड स्पोर्ट्स के लिए, जो कि मणिपुर बिलोंग करती हैं। और एक है छन्नू लाल मिश्रा जी को, छन्नू लाल मिश्रा जी को आर्ट के लिए मिला है, जो कि यूपी से हैं। इन 7 को मिला है इस बार। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम रहने वाले हैं आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने जो देखा है हर एक साल इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है, या तो ये बन सकता है कि किस राज्य से बिलोंग करते हैं, या इससे क्वेश्चन बनता है किस फील्ड में दिया गया है, या इनमें से किसको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। तो आपको ये 7 नाम बहुत ज़रूरी याद करने होंगे गाइस, कोई बड़ी बात नहीं याद करना। 2-3 नाम तो ऐसे हैं जिसको आप रटे रटाए हैं, जो कि आपको जानते होंगे, अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, एमसी मैरीकॉम, जो 3 नाम है तो आपको रट गए होंगे, 4 नाम आप 2 से 3 बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है पद्म भूषण, जो कि इस बार पद्म भूषण 16 लोगों को दिए गए हैं। 16 लोगों में से मुझे एक ही नाम ऐसा लगा जो कि कॉमन है और जो आपको याद करना, जो कि पेपर में आ सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स से एक आध क्वेश्चन पक्का था कि स्पोर्ट्स में इस बार किस फील्ड का अवार्ड दिया गया। तो गाइस स्पोर्ट में इस बार पद्म विभूषण नहीं गया किसी को भी, स्पोर्ट्स में पद्म भूषण दिया गया है और पद्म श्री दिया गया है। तो जो पद्म भूषण दिया गया है वो पीवी सिंधु को दिया गया है। पीवी सिंधु तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपको जानते होंगे पीवी सिंधु ही थी जिन्होंने कांस्य पदक जिताया था 2016 में ओलंपिक में। इसके अलावा 2 ही लोगों को मिल पाया था, एक कांस्य, सॉरी एक इनको सिल्वर मिला था और एक कांस्य मिला था, किसको मिला था, ये तुम्हारा हरियाणा की थी जिनको मिला था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी फॉर दिस। एंड इसके बाद जो पद्म श्री अवार्ड होता है वो इस बार टोटल 118 लोगों को मिला है, जिनमें से कुछ नामी जामी हस्तियां हैं जिनको मिला है, जिनका नाम आपको याद रखना जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। करण जौहर जो कि आप जानते होंगे, जो कि एक्टिंग भी करते हैं और ये डायरेक्टर भी हैं। इसके बाद एकता कपूर, इनको भी आर्ट के लिए मिला है। इसमें जो मिला है स्पोर्ट्स में, जीतू राय को मिला है, और अदनाम सामी को भी मिला जो कि सिंगर हैं, कंगना रनाव जो कि एक्ट्रेस हैं, इन सभी को मिला है। वैसे टोटल 18 बंदे हैं, लेकिन मैंने 4-5 के नाम गिनाए क्योंकि 4-5 कॉमन थे, इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अलावा क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि इस बार जिन जो राष्ट्रपति थे,
जैसे कि आपको पता होगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ तो वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पहला व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो गैस कॉन्स्टिट्यूशन का पहला व्यक्ति हमारे भारत के प्रेसिडेंट को कहा जाता है, जो कि इस बार 14वें हैं। आपको पता होगा 14वें इस टाइम राष्ट्रपति हैं, 13वें उपराष्ट्रपति हैं, और तुम्हारे 15वें हमारे प्रधानमंत्री जी हैं पीएम मोदी जी, और 17वीं लोकसभा चल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो इसके साथ ही साथ आपको पता होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो यूएन में अपना भाषण दे चुके हैं। वो तुम्हारा 20 साल हाई कोर्ट और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर चुके हैं। वो बहुत ही गरीब घर से, वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे थे, जो कि बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते थे। उसके बाद उनका स्ट्रगल था जिससे वो आज भारत के राष्ट्रपति बने हुए। इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि आपकी मेहनत है जो कि आपको कहीं कहाँ से कहीं भी पहुँचा सकती है। सिर्फ आप अपना जो फ्रेंड मानो, सिर्फ किताबों को मानो, किताब आपकी सबसे बड़ी फ्रेंड हो सकती है जो कि आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती हैं। तो मैं सभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और जिससे मैं और वीडियो बना सकूँ। तो इस वीडियो में जो भी मेरे से गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करना, और मुझे अपने बताना कि व्यूज़ की मैं कैसे और क्या इंपॉर्टेंट ला सकूँ और क्या इसमें और अच्छा कर सकूँ।